हाउ टू फिक्स बिल्ट नंबर एंड्रॉयड नॉट शोइंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पर हम जब भी बिल्ट नंबर को ढूंढने के लिए जाते हैं अबाउट फ़ोन पे, और दोस्तों उसमें जाके देखते हैं कि हमारा जो बिल्ट नंबर है वो तो शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों हम यहाँ पर बिल्ट नंबर किस लिए यहाँ पर सर्च करते हैं, वो है दोस्तों डेवलपर ऑप्शन के लिए, क्योंकि दोस्तों डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के लिए आपको बिल्ट नंबर चाहिए होते हैं आपके मोबाइल के अंदर पे, ठीक है। यदि आपके मोबाइल पे बिल्ट नंबर ही शो नहीं करते, आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है वो लोग फेस करते हैं जो कि दोस्तों यहाँ पर एक ब्रांड का मोबाइल नहीं खरीदते, या फिर दोस्तों ब्रांड के मोबाइल पे भी ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई मोबाइल जो होते हैं उसमें दोस्तों कुछ अलग ही ब्रांड होते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो बस दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को देखें, मैं आपको इसका तरीका जो है बताऊंगा कैसे कैसे फिक्स करना है, ठीक है। ज़्यादा तरीका यहाँ पर नहीं है मेरे पास भी, क्योंकि दोस्तों इसको फिक्स करने के लिए बस आपको कुछ ही ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, और जो कि यहाँ पर फेक्ट है। तो आप वीडियो को देखें, सॉल्यूशन को फॉलो करें, प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स तो हो जाएगा, आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आपको ऑनलाइन से पैसा कमाना है उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, यदि बिल्ट नंबर शो नहीं करते हैं, मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, उसके बाद एक बार जाके चेक कीजिए। मोबाइल रिस्टार्ट से यहाँ पर दोस्तों शो हो जाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उससे काम नहीं बनते हैं, ठीक है, यदि उससे काम नहीं बनते तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आप दोस्तों जाइए अबाउट फ़ोन पे, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिए, ठीक है। सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर जाके दोस्तों सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर भी बिल्ट नंबर आपको शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये MI का मोबाइल है, तो उसमें शो करते हैं MIUI वर्जन, यहाँ पर दोस्तों बिल्ट नंबर ये है MI का, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप किसी मोबाइल पर जाके देख सकते हैं, उन पे क्लियरली लिखा हुआ आते हैं बिल्ट नंबर, लेकिन कुछ डिवाइसेस है उनमें दोस्तों बिल्ट नंबर करके आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि ऑनर की डिवाइस पर भी आपको बिल्ट नंबर शो नहीं होगा, उसमें लिखा हुआ आते हैं EMUI, ठीक है, EMUI उसका दोस्तों कैसे होगा प्रोनाउंस यहाँ पर दोस्तों मुझे पता नहीं है, लेकिन EMUI वर्जन करके आपको मिलेगा, तो उसमें दोस्तों आपको बिल्ट नंबर दिख जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों का जो है बिल्ट नंबर यहाँ पर इस तरह से दिया जाते हैं, उसमें बिल्ट नंबर लिखा हुआ नहीं आते हैं, तो बस आपको उसी में क्लिक करके डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना होता है, ठीक है। यदि दोस्तों आपको पता नहीं है कि आपका कौन सा मोबाइल पे किस तरीके से यहाँ पर दोस्तों बिल्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप दोस्तों सभी जगह पर एक बार क्लिक करके भी देख लीजिए, ठीक है। हो सकते हैं दोस्तों वहाँ पर बिल्ट नंबर है लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा वाला है, ठीक है, आप कॉन्फ्यूज भी हो सकते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या कीजिएगा, सभी जगह पर जो है, ठीक है, जैसे कि एंड्रॉयड वर्जन आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक करके देखना है, उसके बाद MIUI जो वर्जन दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक करके देखना है, तो आपको दोस्तों बस कुछ इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा, नो नीड यू आर ए डेवलपर। यदि आपने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल नहीं किया हुआ है तो आपको वहाँ पर शो करेगा यू आर टू स्टेप फार टू ओपन डेवलपर, टू स्टेप, थ्री स्टेप, फोर स्टेप, देखिए आपको जो भी दिखाई दे, यानी कि आप सही ट्रैक पे है, आप इनेबल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको आपने सब कुछ ट्राई करके देखा फिर भी नहीं है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, यदि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद, लेकिन दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है सॉफ्टवेयर अपडेट से प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपका फ़ोन अपग्रेड हो जाते हैं, आपको बिल्ट नंबर भी लगे हाथ मिल जाएगा। यदि दोस्तों उससे काम नहीं बनते बाय एनी चांस, तो आप यहाँ पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आप दोस्तों जाइए अपने सर्विस एंड फीडबैक्स में, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है बिफोर यूजिंग सर्विस एंड फीड यू मस्ट रीड एंड एग्री, तो एग्री कर देते हैं, तो जस्ट ए सेकेंड। तो आपको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं फीडबैक देने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो अलाउ कर देते हैं। अभी दोस्तों आपका इशू यहाँ पर टाइप कीजिए, ठीक है, आपका इशू है, सजेशन नहीं है यहाँ पर, डिस्क्राइब द इशू यू हैव इनकाउंटर्ड या फिर सजेशन, टेल अस हाउ लाइक टू इम्प्रूव MIUI, ठीक है, तो इशू को यहाँ पर बता दीजिए क्या प्रॉब्लम आपको आ रहा है,
जैसे कि बिल्ट नंबर आपका शो नहीं करे अबाउट फ़ोन पे, ठीक है, आपका मोबाइल वर्जन सब कुछ यहाँ पर बता दे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अटैचमेंट भी ऐड कर दीजिए प्लस में। उसके बाद दोस्तों जो भी रिक्वायरमेंट है उनको आप यहाँ पर सेट करें, सेंड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको वेट करना होगा क्योंकि दोस्तों आप जो भी फीडबैक करते हैं तो रिव्यू यहाँ पर करते हैं आपके फीडबैक को, उसके बाद जाके दोस्तों थोड़ा दिन लग जाएगा आपका प्रॉब्लम फिक्स होते हुए, तो उसके बाद ही सॉल्व होगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो बस यही एक उम्मीद है, इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।